मन आज अयोध्या धाम। जग प्रगटे श्री राम रघुनंदन श्री राम। चलो रे मन आज अयोध्या धाम। जहाँ व्यापक है ब्रह्म निरंजन, जहाँ व्यापक है ब्रह्म निरंजन, जहाँ व्यापक है ब्रह्म निरंजन। प्रकटे है दृग खंजन अंजन, प्रकटे है दृग खंजन अंजन। लख लाजत जिनको कोटि के काम। चलो रे मन आज अयोध्या धाम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम। सुंदर राज महल की शोभा, सुंदर राज महल की शोभा, सुंदर राज महल की शोभा। चंचल जनमानस मन मोगा, चंचल जनमानस मन मोगा। जग छाए रहो शोभा दी अति काम। चलो रे मन आज अयोध्या धाम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम। मात कौशल्या अंकन सोहे, मात कौशल्या अंकन सोहे, मात कौशल्या अंकन सोहे। चंचल अंजन मेरो मन मोहे, चंचल अंजनी करुणा रस नभ घन सुंदर श्याम। चलो रे मन आज अयोध्या धाम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम। जग प्रगटे श्री राम रघुनंदन श्री राम। चलो रे मन आज अयोध्या। रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीता राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलिए रघुवंश मणि रघुकुल भूषण, पतित पावन प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। भक्त जनों, तुलसीदास जी कृत
रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन का दर्शन है। श्री हरि विष्णु ने प्रभु श्री राम जी के रूप में अवतरित होकर मानव जीवन को जीना सिखाया भक्तों, और रावण के पापों का अंत कर मां धरती का भार भी हरा था। तो ऐसे रघुवंश मणि के हाथों किस किस का कल्याण हुआ, आइए इस पावन कथा के माध्यम से मैं आपको उनके चरणों की रज द्वारा भवसागर पार करने वाली नार अहिल्या की संगीतमय कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र जी महाराज की। नार अहिल्या श्रापित नारी, नार अहिल्या श्रापित नारी, रामा रामा रटती जाए, कैसे रघुबर पार लगाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन धरती विष्णु सन्मुख आई, हरि चरणों में शीश नवाई। रावण द्वारा मचाए गए आतंक से, उसके द्वारा फैलाए गए पाप ताप संताप से त्रस्त होकर धरती मैया ने गौ माता का रूप बनाया और देवी देवताओं सहित श्री हरि विष्णु के चरणों में पहुंच गई। जाकर प्रार्थना करती है, प्रभु आपका तो वचन है जब जब पापी बढ़ेंगे पाप बढ़ेगा, साधु संतों का हनन होने लगेगा, तब तब आप अवतार लेकर मुझ धरती पर प्रकट होंगे, तो इस बार प्रभु देर क्यों लगा रहे, कृपा कर मेरी विनती सुनिए और शीघ्र ही अवतरित होकर मेरे पाप ताप संतापों का हरण कीजिए। प्रभु आपने मत्स्यवतार में ऋषि मनु को बचाया, वरा अवतार में धरती को बचाया, तो ऐसे ही मुझे बचाने कृपा कर अवतार धारण कीजिए। धरती विष्णु सन्मुख आई, हरि चरणों में शीश नवाई, भगवन अब अवतार धराओ, मेरे संकट आन मिटाओ, असुरों के आतंक से मुझको हे नारायण आप बचाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। श्री हरि ने ढाढ़स बंधवाया, शीघ्र ही लूं अवतार बताया। माँ धरती के आह्वान पर श्री हरि ने माँ धरती को ढाढ़स बंधवाया और वचन दिया, हे धरती माँ, मैं शीघ्र ही अयोध्या नगरी के महाराजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा और लीला करते हुए आपके सारे पाप ताप संतापों का हरण कर लूंगा। यह सुनते ही माँ धरती और अन्य देवी देवतागण हर्षाने लगे, श्री हरि विष्णु की जय जयकार लगाने लगे। अब समय आ गया था भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु अपने सप्तम अवतार प्रभु राम का रूप धारण करें और धरती पर आकर अपनी लीला करते हुए धरती के पाप ताप संतापों का हरण करें। तो आप भी मेरे साथ एक बार बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की। श्री हरि ने ढाढ़स बंधवाया,
शीघ्र ही लूं अवतार बताया। नगरी अयोध्या दशरथ के घर जन्मूंगा मैं रघुवर बनकर। देवी देवता धरती के संग विष्णु की जयकार लगाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। श्री हरि फिर लीला दिखलाए, मात कौशल्या के गर्भ आए। अपने दिए गए वचन के अनुसार श्री हरि विष्णु ने प्रभु राम के रूप में जन्म लेने हेतु महाराजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ में अपना स्थान बनाया। उचित समय पर प्रभु ने प्रकट होकर इस धरती को और धरतीवासियों को अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। सारी नगरी अयोध्या झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, ठुमक ठुमक कर चलते। जब बाल रूप में प्रभु अपनी लीलाएं करते तो पिता दशरथ और माता कौशल्या मन ही मन हर्षाते। माँ कौशल्या डर डर जाती कि उनके पुत्र को कहीं नजर न लग जाए, परंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि जो पुत्र उनके आंगन में बाल रूप में खेल रहा है ये तो साक्षात नारायण हरि हैं, जग के पालनहार हैं, जो इस धरती का कल्याण करने हेतु अवतरित हुए हैं। श्री हरि फिर लीला दिखलाए, मात कौशल्या के गर्भ आए। नगरी अयोध्या पावन कीन्हे, राम रूप अवतार थे लीन्हे। ठुमक ठुमक चलते जब रघुवर, मात पिता मन मन हर्षाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। संग थे जन्मे तीन और भाई, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई। महाराजा दशरथ की तीन रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या के गर्भ से प्रभु राम ने जन्म लिया था। सुमित्रा के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तथा कैकेयी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत। चारों राजकुमार प्रांगण में खेलते कूदते शिक्षा ग्रहण करते धीरे धीरे युवावस्था में आ गए। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। गुरु माता की सेवा करते, आश्रम की सेवा करते और कभी भी इस बात का भान नहीं करते कि वो तो एक राजा के पुत्र हैं। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात चारों कुमार युवावस्था में अयोध्या नगरी को आ रहे हैं और उनके स्वागत हेतु अयोध्या नगरी घी के दीप जला रही है। संग थे जन्मे तीन और भाई, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई। गुरुवर के फिर आश्रम आए, गुरु से शिक्षा दीक्षा पाए। गुरु माता की सेवा करते, नियम व पालन करते जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। चारों भाई शिक्षा पाए, लौट अयोध्या चारों आए। चारों कुमार अयोध्या नगरी लौट आए हैं और जैसा कि मैंने कहा, अयोध्या नगरी तो
झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, खुशियां मना रही है। चहुं ओर खुशियों का वातावरण है। माताएं अपने अपने पुत्रों से लाड़ लड़ा रही हैं। पिता के तो मानो पंख ही लग गए हैं, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, पुत्रों के हाथों सत्कर्म करवा रहे हैं। कि तभी एक दिवस महाराजा दशरथ के महल में मुनि विश्वामित्र का आगमन होता है। मुनि विश्वामित्र के मुख पर विषाद है, क्रोध है, जिसे देखकर दशरथ जी चिंतित होते हैं और गुरुवर से इसका कारण पूछते हैं। चारों भाई शिक्षा पाए, लौट अयोध्या चारों आए। नगर निवासी थे हर्षाए, मात पिता तो मोद मनाए। उसी घड़ी फिर नगरी अयोध्या, गुरुवर विश्वामित्र थे आए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। दशरथ आदर से बुलवाए, आने का कारण थे पुछवाए। गुरुवर को आदर सहित दशरथ ने अपने सिंहासन पर बिठलाया, पैर धुलवाए, अच्छे से भोजन करवाया। परंतु गुरुवर के मुख का विषाद देखकर उनसे प्रश्न करते हैं, प्रभु बताइए आपको क्या कष्ट है जो इतने क्रोध में, इतने विषाद में आप अयोध्या आए हैं। तब मुनि विश्वामित्र दशरथ को बताते हैं, दशरथ तेरे राज्य में राक्षस हमें तंग करते हैं, हमारा यज्ञ भंग करते हैं, यज्ञ की अग्नि में मांस और हड्डियां डालकर अपवित्र करते हैं। इस हेतु तुम तुरंत राम और लक्ष्मण को मेरे साथ वनों में भेजो, वो हमारे यज्ञों की रक्षा करेंगे और असुरों का अंत करेंगे। दशरथ सुन चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं ये तो अभी बालक है प्रभु, मैं चलता हूँ सेना लेकर। परंतु तब मुनि वशिष्ठ समझाते हैं कि राम का जन्म राक्षसों का अंत करने के लिए हुआ है, अतः इन्हें आदर सहित गुरुवर के संग जाने दीजिए। अब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वनों को आ गए हैं। दशरथ आदर से बुलवाए, आने का कारण थे पुछवाए। राक्षस यज्ञ को भंग है करते, असुर हमें तो तंग है करते। राम लखन मेरे संग भेजो, गुरुवर यह आदेश सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गुरुवर संग वन को थे आए। ताड़ का राक्षसी मार गिराए। वन में घूमते घूमते अचानक एक निर्जन स्थान आता है। तब प्रभु राम पूछते हैं, भगवान ये स्थान इतना निर्जन क्यों? तब गुरुवर बताते हैं, पुत्र ये पापन ताड़ का राक्षसी का स्थान है, ये मनुष्यों का आहार करती है, सावधान रहना और इसका अंत करना। तब प्रभु राम गुरुवर से कहते हैं, प्रभु नियम के अनुसार स्त्रीवध पाप है। परंतु गुरुवर कहते हैं कि ये स्त्री नहीं, ये राक्षसी है। तब राक्षसी ताड़ का अट्टहास करती हुई आती है और प्रभु राम के हाथों मारी जाती है। ऐसे ही राम लक्ष्मण अनेक अनेक असुरों का अंत करते हैं और गुरु के यज्ञ की रक्षा करते हैं। गुरुवर अब अत्यंत प्रसन्न हैं, वो चैन से पूजा अर्चना कर पाते हैं, यज्ञ कर पाते हैं। कि तभी उन्हें मिथिला नगरी आने का संदेश प्राप्त होता है। अब राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र मिथिला नगरी की ओर चल रहे हैं।
गुरुवर संग बन में थे आए। ताड़ का राक्षसी मार गिराए, असुरों का फिर अंत था कीना। गुरुवर ने आशीष था दीना, फिर गुरुवर के संग में दोनों देखो मिथिला नगरी जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। मार्ग में आश्रम एक आया, देख चकित हो गए रघुराया। मार्ग में एक वीरान उजाड़ सा आश्रम देख राम और लक्ष्मण चकित हो जाते हैं। गुरुवर से पूछते हैं, प्रभु ये क्या माया है, ये किसका आश्रम है? कि तभी एक शिला पर उनकी दृष्टि पड़ती है जिससे राम नाम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। इस पर गुरुवर बताते हैं कि यह श्रापित नारी अहिल्या है। इनके पति गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप देकर पत्थर की शिला में बदल दिया है। संक्षिप्त कथा बताते हुए गुरु कहते हैं कि यह सब इंद्र के कारण हुआ है। उसी ने छल से अहिल्या का सतीत्व हरण किया, जिससे क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया। लेकिन मुक्ति का उपाय भी बताया कि जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम आएंगे तब उनके चरणों की रज से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हे रघुवर, अब इस श्रापित नारी को श्राप से मुक्त कराओ। जाओ, इसे अपनी चरण रज छुआकर भवसागर से पार कर दो। मार्ग में आश्रम एक आया, देख चकित हो गए रघुराया। एक शिला फिर वहां पर देखी, ज्योति रामा रामा रटती। पत्थर जप रहा राम नाम को, राम लखन कुछ समझ न पाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। ये है श्रापित नार अहिल्या, ऋषि गौतम की नार अहिल्या। प्रभु श्री राम गुरु चरणों में शीश नवाते हैं और कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं। तब गुरुवर बताते हैं कि गौतम ऋषि बहुत महान तपस्वी थे, जिनके तप से इंद्र डरता था और इनके तप को भंग करने हेतु उसने कुटिल योजना बनाई। जब गौतम ऋषि गंगा स्नान को चले गए तब उसने गौतम ऋषि का रूप धरा और अहिल्या के आश्रम में चला गया, और अहिल्या ने उन्हें पति जानकर उनके साथ पति धर्म का पालन किया। जब गौतम ऋषि आए उन्होंने इंद्र को अपने स्वरूप में आश्रम के भीतर देखा तो क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप दे दिया और इंद्र वहां से भाग खड़ा हुआ। परंतु जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि गलती तो इंद्र की थी, तब उन्होंने श्राप से मुक्ति का उपाय भी बता दिया। अब देर न करो पुत्र, अपने चरणों की रज छुआकर इस श्रापित नारी का उद्धार करो। ये है श्रापित नार अहिल्या, ऋषि गौतम की नार अहिल्या। इंद्र के हाथों धोखा खाई, गौतम ने श्रापित करवाई। श्राप के कारण नार अहिल्या देखो शिला में बदली जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। जाओ रघुवर चरण छुआओ,
इसको श्राप से मुक्त कराओ। गुरुवर के चरणों में शीश नवाकर प्रभु श्री राम शिला रूपी अहिल्या के समक्ष जाते हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम के चरण शिला पर पड़ते हैं, शिला नारी में बदल जाती है और अहिल्या राम राम जपती हुई खड़ी हो जाती है। नतमस्तक हो प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाती है तथा उनका बार बार धन्यवाद करती है कि उनकी चरण धूलि से वो श्राप से मुक्त हुई, और प्रभु से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, वो अपने पति के पास जाना चाहती है। तब प्रभु श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं और सशरीर उनको अपने पति के पास पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ही भक्तों, यदि आप भी जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करते रहिए। इनकी चरण धूलि से माथे चंदन तिलक लगाते हुए बोलिए, बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की। जाओ रघुवर चरण छुआओ, इसको श्राप से मुक्त कराओ। गुरुवर आज्ञा पालन कीन्हे, चरण की रज से पार थे कीन्हे। इन चरणों के पावन रज से आओ चंदन तिलक लगाए। राम ही भक्ति, राम ही पूजा, राम सिवा नहीं जग में दूजा। सुबह भी राम, शाम भी राम, राम ही भक्ति, राम ही शक्ति, राम नाम से मिलती मुक्ति। जो भी जपते राम का नाम, राम ही मोह है, राम ही माया, कण कण में है राम समाया। राम नाम सभी पाप जलाए, महामंत्र मुनि विषय ब्याल की, जपत ही मिटत कुअंक भाल की। जन्म मरण का संशय गयो, सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखेऊ रामा। राम नाम से प्राणी तरते, जब जब होई धर्म की हानि। बाढ़ेऊ असुर अधम अभिमानी, तब तब राम लिए अवतार। राम ही मारे, राम दुलारे, संकट से प्रभु राम उबारे। भक्त जनों के राम ही ईश्वर, जल के ऊपर सेतु बनाए। राम नाम पत्थर तैराए, राम की चरण धूलि जो पाए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम के वट को तारे, जब तू सारे जग से हारे। छोड़ दे नैया राम सहारे, बन के आएंगे पतवार। राम नाम जप कीजिए, तज ममता अभिमान। ज्यो ज्यो जप आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। मर्यादा में जीना सिखाए, सबके हृदय में राम समाए। सबसे बड़ा है जग में नाम, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, हरि हर कथा विराजत बेनी। बिन
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जा पर कृपा राम की होई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी, उनि बंदउ शारद सुर सरिता, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, महावीर विनवउ हनुमाना, रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, जनक सुता जग जननी जानकी, राम भगत हित नर तन दारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भंजे उ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन राम प्रतापु, निशिचर निकट दले रघुनंदन, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, नारद जाने उ राम प्रतापु, कहो कहाँ लगी राम बड़ाई, राम न सकहिं नाम गुण गाई, नाम जपत प्रभु दिए प्रसाद, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन अचरज नहीं मानो जिनके विमल विचार, राम नाम ही केवल अपना, माया मोह जगत सब सपना, बंद जुबा की खोल के ताला, भक्त पे जब जब संकट आया, राम प्रभु ने आके बचाया, भक्त प्रहलाद का संकट टारा, भक्त विभीषण शरण में आया, राम ने उसको गले लगाया, सुग्रीव के बने सहारे, राम नाम की महिमा भारी, अति मनोहर मंगलकारी, जो जन राम नाम गुण गाए, ब्रह्मा शिव भी दर पे आते, राम शरण में शीश झुकाते, नारद ने जप राम का कीना, राम नाम है जग का सार, सबके जीने का आधार, अन्नदाता धनदाता राम, नर और नारायण है राम, तुलसी के रामायण राम, गीत और संगीत भी राम, राम शरण में ध्यान लगाया, वैदेही ने राम को पाया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जो जन करे राम की भक्ति, उसको मिलती अनुपम शक्ति, राम नाम जप के हनुमाना, राम नाम कपि जब जब लीना, पल में पार समंदर कीना, सुरसा बदन पैठ विस्तारा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे, प्राण जाए जब छूट, महावीर को रोक न पाई, हार के सुरसा शरण में आई, राम दूत लंकिनी ने रोका, अक्षय कुमार को कपि संहारे, राम नाम ले लंका जारे, सीता माँ का पता लगाए,
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बक्सर में यज्ञ करने को ठानी। ताड़ का सुबाहु राक्षस आए राम नाम में शक्ति अपारा जाने विदित सकल संसारा। राम कृपा जग जननी जानकी राम नाम जो निश दिन गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे। श्री राम श्री राम श्री राम कहिए श्री राम जय जय राम जब भजो तब राम ही राम। आते जाते जय श्री राम गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। शारदा शरण में शीश झुकाए राम पिता की आज्ञाकारी राम देखी हर्षित महतारी। सारे अयोध्या के नर नारी गणिका गिद्ध अजामिल तारे पापी को भी राम उबारे। अंत में राम जो मुँह से कहता सदाचार श्री राम सिखाए सत्य सनातन धर्म बचाए। छोटे बड़े का भेद मिटाए राम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा ना कोई। राम नाम जो भी जपे जन्म सवारत हो। जग है भिखारी दाता राम सबके भाग्य विधाता राम। दुखियों के दुख पल में मिटाए राम पिता का वचन निभाए। छोड़ अयोध्या वन में आए राजा से बन गए वनवासी। रथ पे जब सुमंत बैठाए सबकी नैना नीर बहाए। दशरथ खुद को रोक न पाए अत्रि मुनि के आश्रम आए। आदर सहित मुनि बैठाए तप ज्ञान वैराग्य सिखाए। अनसुईया माँ पतिव्रता नारी संग में देखी सिया सुकुमारी। पतिव्रता का पाठ पढ़ाई भरत जी जब ननिहाल से आए। राम विछोह को सह नहीं पाए चित्रकूट को दौड़े आए। कैकई लौटा देगी वर को लौट चलो भैया तुम घर को। भरत जी बहु भांति समझाए सिर पे खड़ाऊ आँख में पानी। भरत जी ले चल राम निशानी। राम खड़ाऊ का पूजन कीना राम राम कही राम सहारे। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। राम नाम ही यंत्र तंत्र है जात पात पूछे नहीं कोई। राम भजे सो राम के होई सबके दिल में है श्री राम। राम जपो आधो घड़ी घड़ियों में पुनिया। राम नाम के जाप से कटे कोटि अपराध। वेद पुराण सभी ने माना हरि व्यापत सर्वत्र समाना। राम की निंदा सुने जो काना मन में बसेंगे जब श्री राम। बन जाएंगे बिगड़े काम विश्वामित्र अयोध्या आए।
विश्वामित्र मुनि मुस्काए, राम को बहु भांति समझाए। ताड़का सुबाहु दुराक्षस रहते, राम धर्म की लाज बचाओ, मेरा यज्ञ पूर्ण करवाओ। ताड़का सुबाहु कुमार गिराओ, विश्वामित्र की आज्ञा पाए। तीर धनुष श्री राम उठाए, तनिक नहीं प्रभु देर लगाए। राम नाम ही एक अधारा, राम बिना कोई उतरे न पारा। राम नाम से जो प्रीत लगाए, धरती पे हुई धर्म की हानि। बाढ़े असुर अधम अभिमानी, पापी जब उत्पात मचाए। आन बान सम्मान है राम, संत जनों की शान है राम। दिन दुखियों के भाग्य विधाता, संकट में जो राम पुकारे, राम उसे देते हैं सहारे। राम कृपा से सब कुछ मिलता, देख लो करके राम की भक्ति। मिलेगी तुमको अनुपम शक्ति, जिस पे राम कृपा बरसाए। राम कृपा से जीव का होता है उद्धार, अंत समय में राम ही करते बेड़ा पार। पुरुषों में सबसे उत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आदि मध्य और अंत है राम, सीता जी के प्यारे राम। हर दूषण को मारे राम, सभी संकट से राम बचाए। गुण देते अवगुण हर लेते, भक्त जो चाहे वो वर देते। राम नाम अनमोल रतन है, राम ही करे राम करवाए। राम हंसाए राम रुलाए, छोड़ दे नैया राम सहारे। जिसने राम नाम गुण गाई, अंत समय में सदगति पाई। राम जपे जो मन चित लाई, राम से सागर पार न पाया। राम के आगे शीश झुकाया, हार के राम शरण में आया। बुद्धि और विवेक है राम, रूप अनेकों एक है राम। राम ही ब्रह्म है राम ही ईश्वर, चारों वेद के सार है राम। श्री हरि के अवतार है राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जा पर जा कहूँ संकट होई, निश्चय राम ही सुमिरे सोई। पल में संकट दूर हो जाए, संत हित को लिए अवतारा। हर दूषण को राम ने मारा, रावण सुनते ही समाचार। राम नाम के जाप से मिटे शोक संताप, राम नाम की आग से भस्म हो जाते पाप। क्रोध में लंका पति गुस्साया, कुंभकर्ण को जाके जगाया। कुंभकर्ण योद्धा बलवाना, रण में सन्मुख राम के आया। बहुत ही सेना मार गिराया, विभीषण को पकड़ के छोड़ा। बोला रण में भले मर जाऊं, लेक
लेकिन कुल द्रोही न कहाओ। भीषण गर्जन किया बलशाली, युद्ध में सन्मुख राम जी आए, कुंभकर्ण को मार गिराए। सुना मेघनाथ बलवान, नागपाश का किया संधान, राम लखन हुए मृतक समान। सुन के सूचना गरुण जी आए, वीर लखन मेघनाथ कुमारे, श्री राम रावण संहारे। लंका विभीषण को दीना, 14 वर्ष वन में बिताए, सब असुरों को मार गिराए। सीता जी को अयोध्या लाए, मार के सारे पापी तारे, पापी तर गए राम सहारे। धरती के सभी पाप मिटाए, राम की अमृत धारा को सुने जो ध्यान लगाए। दुख दरिद्र सब कट जाए, राम शरण वो पाए। लागी रे मोहे राम की धुन लागी, लागी रे मोहे राम की धुन लागी, राम की धुन लागी, लागी रे मोहे राम की धुन लागी, लागी रे मोहे राम की धुन लागी। घट के पट खोल दिए हैं, घूंघट के पट खोल दिए हैं, मन चरणन अनुरागी, लागी रे मोहे राम की धुन लागी, लागी रे मोहे राम की धुन लागी। अब तक जैसे भटक रहा था, अब तक जैसे भटक रहा था, नींद से अखियां जागी, लागी रे मोहे राम की धुन लागी, लागी रे मोहे राम की धुन लागी।
मन दर्पण की धूल हटी है, मन दर्पण की धूल हटी है, हो विषय वासना त्यागी, लागी रे मोहे राम की धुन लागी, लागी रे मोहे राम की धुन लागी। राम को पाके सब कुछ पाया, राम को पाके सब कुछ पाया, मैं तो हूँ बड़ भागी, लागी रे मोहे राम की धुन लागी, लागी रे मोहे राम की धुन लागी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊसो दशरथ अजर बिहारी, बोलिए दशरथ नंदन रघुवर राम चंद्र जी महाराज की। विष्णु जी अवतार धार के हो, विष्णु जी अवतार धार के लीला बड़ी दिखाते, राम की कथा सुनाते भक्तों, राम की कथा सुनाते, राम की कथा सुनाते तुमको, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। चैत्र शुक्ल नवमी के दिवस भगवान श्री हरि विष्णु ने राम रूप में माँ कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। महाराजा दशरथ की अन्य दो रानियों सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। समस्त संसार इन बालकों के दर्शन करने हेतु व्याकुल है भक्तों। चैत्र शुक्ल नवमी का जब राम रूप में आए, दशरथ के महलों में थे बड़े उमंग रंग छाए, गए झूम अयोध्या वासी दिन भागो वाला आया, सुमित्रा के दो पुत्र एक कैकेयी ने जाया, गुरु वशिष्ठ बुला के था फिर नामकरण करवाया, कौशल्या के पुत्र राम के कई कबरत कहाया, दो बालक थे सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लगे देवता करने इन सबके दिव्य दर्शन, बाल लीलाएं देख के भक्तों फूले नहीं समाते, राम की कथा सुनाते तुमको, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। चारों राजकुमार जब कुछ बड़े हुए भक्तों, तब गुरु वशिष्ठ की आश्रम में जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे।
शिक्षा प्राप्त कर जब महलों को आए तो मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा करने हेतु वनों को अपने साथ ले गए भक्तों। गुरुवर से लेकर शिक्षा सीखे थे अस्त्र चलाने, प्रवीण हुए विद्या में ये चारों बड़े सयाने। गुरु पत्नी अरुंधति भी उन्हें चूमे बारंबारे, जब लौट के आए अयोध्या सर झुकाए नर और नारी। राज वेश में चारों बहुतों लगते अति ही प्यारे, थी तीनों माताएं धन्य दशरथ भी जाते वारे। एक दिन राज महल में ऋषि विश्वामित्र पधारे, दशरथ को फिर दर्द सुनाया कुछ हर कष्ट हमारे। राम लखन को ले जाऊं मैं राक्षस बड़े सताते, राम की कथा सुनाते तुमको राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते करते प्रभु श्री राम ने ताड़ का और सुबाहु का अंत किया तथा मारीच को बिना फर का बाण मार कई योजन दूर फेंक दिया। महाराजा जनक के आह्वान पर मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगरी जा रहे हैं, जहां मार्ग में प्रभु राम ने अहिल्या का उद्धार किया। मार्ग में ताड़ता मारी श्री राम ने बाण चलाया, दैत्यों को सबक सिखा के यज्ञ पूर्ण था करवाया। फिर राम लखन दोनों को ऋषि जनकपुरी में लाए, सीता का जहां स्वयंवर थे बड़े बड़े राजा आए। पिनाक तोड़ने वाले फिर तो राजन शर्त लगाई, जो कोई तोड़े धनुष वो जनकपुरी का जवाई। श्री राम विष्णु अवतारी अद्भुत रच दी माया, अहिल्या को फिर पैर लगाकर श्राप से मुक्त कराया। धनुष जहाँ रखा था शिव का उसी जगह आ जाते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। धनुष यज्ञ भंग कर प्रभु श्री राम ने सीता जी संग विवाह रचाया और महाराजा जनक की अन्य तीन पुत्रियां भी भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ ब्याही गईं। अब दशरथ जी के मन में राम को राजा बनाने की लालसा जागी, परंतु कैकेयी की कुटिल बुद्धि ने क्या चाल चली आइए सुनते हैं। श्री राम ने धनुष उठाया एक पल में तोड़ डाला, जनक नंदनी सीता ने डाली थी वरमाला। पावन नगरी अयोध्या सब झूमे नाचे गाए, चारों भाई फिर मिलकर थे चार दुल्हनियां लाए। जिसकी आस नहीं थी दिन ऐसा ही फिर आया, मैं हो जाऊं सन्यासी था दशरथ ने फरमाया। राजा राम बना दू दशरथ ने सलाह बनाई, राजा मेरा भरत बनेगा के कैन तांग अड़ाई। रामचंद्र वनवासी होंगे दशरथ आंसू बहाते,
राम की कथा सुनाते तुमको, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। कैकेयी ने अपने धरोहर में रखे दो वरदानों में, एक में भरत का राज्य और दूसरे में राम का वनवास मांगा। राम जी वनों में आ गए हैं, भरत राम जी को वापस लेने जाते हैं, परंतु ला नहीं पाते हैं, सो उनकी चरण पादुका ही ले आते हैं। प्रभु राम पंचवटी में क्या लीला कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो लेख लिखे विधना ने वो टाल सके ना कोई, अपने किए क्या होता जो राम करे सो होई। दशरथ के महलों में फिर छा गई थी घोर उदासी, थे राम लखन और सीता होके थे चले बनवासी। प्रेम भरत का उनको देखो वापिस लाना पाया, चरण पादुका लेकर वो फिर नगर अयोध्या आया। पुत्र बिछोह में दशरथ भक्तों छोड़ गए तन चोला, बेबसी थी सबको दुख विपदा में मन था डोला। पंचवटी में कुटी बना के राम जी समय बिताते, राम की कथा सुनाते भक्तों, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। पंचवटी में रावण की बहन सूप न खा के नाक कान लक्ष्मण जी ने काट दिए हैं। रावण बदला लेने हेतु सीता जी का हरण कर उन्हें लंका ले जाता है। उधर राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजते खोजते किष्किंधा आते हैं, जहां पर सुग्रीव से उनकी मैत्री होती है और हनुमान जी प्रभु मुद्रिका लेकर लंका की ओर जा रहे हैं। मोहित हुई रघुवर पर शूप नखा वहाँ आई, लक्ष्मण ने नाक काट दी वो लंका जा चिल्लाई। फिर रावण ने छल करके सीता का हरण किया था, रस्ते में अड़ा जटायु रावण ने काट दिया था। सीता जी की खोज में रघुवर लखन बड़ा दुख पाए, शबरी की कुटिया में आकर प्रेम से बेर दिखाए। सुग्रीव से हुई मित्रता मिला हनुमत फिर प्यारा, बाली को दंड दिया था उसे तीर फिर मारा। मुंदर लेकर हनुमान जी लंका में उड़ जाते, राम की कथा सुनाते भक्तों, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। जय श्री राम का उद्घोष कर श्री हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका मुख में डाली और 100 योजन सागर लांग गए। लंकिनी कुमार लंका में प्रवेश किया, रावण की सारी लंका जलाई और माँ सीता की चूड़ामणि निशानी लेकर वापस आए भक्तों। प्रभु राम ने उन्हें हृदय से लगाया और भरत के सम भाई बताया। सुरसा और लंकिनी भी रास्ता रोक न पाई, वाटिका में मैया सीता हनुमत को नजर थी आई। मुद्रिका देकर हनुमत चरणों में झुक गए जाके, प्रभु राम जी लेने आए यूं बोले शीश नवाके। वाटिका थी खूब
उजाड़ी अक्षय कुमार संघारा। ब्रह्म पाश में बंद गए जाकर रावण को ललकारा। जब पूछ में आग लगी ना राम दूत घबराया। रावण रह गया देखता सारी लंका को था जलाया। चूड़ा मणि को लेके हनुमत लौट के वापस आते। राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। सागर पर सेतु बांध राम सेना लंका में आ पहुंची है। लक्ष्मण और मेघनाथ आमने सामने हैं, दोनों बलशाली योद्धा हैं। कि तभी छल से मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी। हनुमान जी द्रुत गति से उड़कर हिमालय पहुंचे और बूटी वाला पर्वत लाकर श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करी। भक्तों रघुवर को चूड़ामणि में सीता ही नजर थी आई। सारा दल बल ले करके लंका पर कर दी चढ़ाई। हो हनुमत जैसा सेवक फिर कौन सी बात से डरना। था अंत निकट रावण का संग में कुटुंब को मरना। एक-एक करके मर गए योद्धा हो गई लंका खाली। लखन लाल को लागी शक्ति शक्ति वो शक्तिशाली। पवन वेग से उड़कर देखो हनुमत बूटी लाए। वैद्य सुषेण थे हाजिर बूटी से फिर प्राण बचाए। विभीषण जी को छोड़ सभी फिर जंग में मारे जाते। राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। जब रावण का समस्त कुल नाश हो गया तब वो स्वयं प्रभु राम से युद्ध करने उनके सन्मुख आया। कई दिन तक उन दोनों का युद्ध चला भक्तों। फिर विभीषण की युक्ति बताने पर प्रभु राम ने रावण का अंत कर दिया। सभी देवी देवता जय जयकार कर रहे हैं परंतु घर के भेदी ने लंका ढा दी है। भक्तों जब मर गए बेटे भाई तो अंत में रावण आया। फिर प्राण कहाँ थे तन में विभीषण ने बतलाया। बाणों से गगन ढका था युद्ध दिन में रहता जारी। इस युद्ध को देख रही थी देवों की नगरी सारी। रघुवर ने फिर ब्रह्म अस्त्र रावण की ओर चलाया। काट दिए दश शीश थे उसके धरती पे उसे गिराया। उड़ गए थे फिर प्राण पखेरु लग रहे थे जयकारे। पापी का फिर अंत हुआ गिन गिन कर दैत्य थे मारे। घर का वेदी लंका ढाए सुनते तभी से आते। राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। रावण के मरने पर विभीषण जी आदर सहित सीता माता को ले आए परंतु प्रभु राम ने उनकी अग्नि परीक्षा लेकर सबको चौंकाया। परंतु ये प्रभु की लीला ही थी। अब सब पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आ गए जहां प्रभु श्री राम का राज तिलक हुआ और सारी नगरी झूमने नाचने गाने लगी। सीता की अग्नि परीक्षा
फिर ली थी श्री राम ने, वहाँ सबको था चौंकाया श्री रघुवर परम धाम ने। कोई दोष नहीं सीता में, ये अग्नि देव समझाते, पुष्पक विमान में चढ़ के सारे अयोध्या को आते। सबसे अधिक थे खुशी में झूमे भरत लाल जी भाई, मूर्छित हो गए खुशी में भक्तों, खुशी न छुपी छुपाई। फूलों की कर दी वर्षा, नगरी में दीप जलाए, वनवास थे काट के रघुवर आज अयोध्या आए। राज्यभिषेक हुआ रघुवर का, जय जयकार लगाते, राम की कथा सुनाते सबको, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। प्रभु श्री राम माता जानकी सहित राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। गुरुओं ने राज तिलक कर उन्हें अयोध्या नगरी का राजा घोषित किया हुआ है। तीनों भाई चवर ढुरा रहे हैं, माताएं आरती कर रही हैं, मंगल गान गा रही हैं, गुरुवर आशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। अयोध्या के नगर निवासी घी के दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। तीनों लोकों से पुष्पों की वर्षा हो रही है। देवी देवता भी ऐसा नयनाभिराम दृश्य देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। तो आप भी ऐसे दृश्य में खो जाइए भक्तों, और मेरे साथ सच्चे हृदय से बोलिए, बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की। कर अप्सरा नृत्य थी सारी, लग गंधर्व गाना गाने, रत्न आभूषण फिर बांटे, भरपूर थे सभी खजाने। आदर सम्मान को पाके सब लौटे बारी बारी, सिया राम के सेवक सच्चे मुस्काए रहे बलकारी। ना हीरे और मोती चाहिए, ना में बाके भूखे, हम सेवक हैं सिया राम के, बस सेवा के भूखे। मेरे सतगुरु श्री करण सिंह ने मुझे ज्ञान सिखाया, कमल सिंह रघुवर की कोई माया जान न पाया। राम नाम नित गाने वाले राम की कृपा पाते, राम की कथा सुनाते भक्तों, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो।